राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चल रही हड़ताल से रेजिडेंट्स अलग हो गए हैं। बुधवार देर रात चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत और जॉर्ज की बैठक में रेजिडेंट्स की कई मांगों पर सहमति बनने के बाद रेजिडेंट्स ने काम पर लौटने का ऐलान किया। हालांकि काम पर वापस लौटने के निर्णय को लेकर रेजिडेंट्स के दो गुट बंट गए। एक गुट ने वापस काम पर लौटने का निर्णय लिया तो दूसरे गुट ने हड़ताल जारी रखने की बात कही। इस बीच गुरुवार को सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों के चेहरे पर खुशी दिखी। रेजिडेंट्स के वापस काम पर लौटने की जानकारी नहीं होने पर सवाई मानसिंह अस्पताल में आमदनों से कम मरीज पहुंचे। फैकल्टी कल नहीं उपस्थित थी, स्ट्राइक पे थी, लेकिन आज सारी फैकल्टी है तो बेहतर है कल से व्यवस्थाएं, और मरीजों को मेरे हिसाब से इलाज ज़्यादा अच्छे तरीके से उपलब्ध हो रहा है कल की तुलना में। कतारें तो SMS है यहाँ पे हमेशा ही रहती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहती है, आम दिनों में भी रहती है, पर हाँ आज मरीजों को ज़्यादा चिकित्सा सुविधाएँ मिलने की संभावना है, इसलिए क्योंकि फैकल्टी सारी अपने काम पर है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुदर्शन सीधे जयपुर से जुड़ गए हैं। सुदर्शन, रेजिडेंट्स अब दो गुटों में बंट गए हैं, एक का अभी भी कार्य बहिष्कार जारी और एक वापस काम पे लौट गए हैं, तो ऐसे में सरकार की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है? देखिए, ये जो रेजिडेंट दो धड़ों में बटे हैं, ये जयपुर के रेजिडेंट ही दो धड़ों में बटे हैं। अगर हम प्रदेश की बात करें तो वहां पर जितने भी जाट के अध्यक्ष हैं, अगर हम बात करें डॉक्टर्स एसोसिएशन कहा जाता है RDA, उसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कल बकायदा जो वार्ता हुई थी सरकार के साथ में और जो सहमति बनी थी, उस सहमति पत्र पर सभी प्रदेश के जो जिले हैं और उनके जो जाट के पदाधिकारी हैं उन्होंने उस पर दस्तखत किए हैं और सभी सभा को काम पर लौट आए हैं। लेकिन अगर हम जयपुर की बात करें तो अक्सर ये देखा जाता है कोई भी विवाद हो रेजिडेंट डॉक्टर्स का, जयपुर में हमेशा दो धड़े बन जाते हैं डॉक्टर्स के। एक धड़ा कहता है हम सहमत हो गए हैं, जबकि दूसरा धड़ा कहता है हम सहमत नहीं हुए हैं। और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है। कल रात को 12 बजे जो प्रेस नोट जारी किया गया जयपुर के डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से, जो कि इलेक्टेड यानी कि चयनित चुनिंदा जो जांड है जिसको हम कहते हैं जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स, वो हड़ताल को छोड़ चुके थे और वो काम पर लौटने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। उन्होंने बकायदा प्रेस नोट जारी किया और उस प्रेस नोट में जितने भी जिले हैं राजस्थान के, उसके जो जितने भी अध्यक्ष शामिल हुए थे जिलों के रेजिडेंट डॉक्टर्स के, उनके दस्तखत थे। लेकिन कुछ ही देर बाद में जो दूसरा धड़ा था जयपुर का रेजिडेंट डॉक्टर्स का, कुछ सीनियर उसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो कि पहले अध्यक्ष रहे हुए हैं और कुछ और भी उसमें शामिल है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको अगवा कर लिया गया है, वो मिल नहीं रहे हैं और हमारी जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। ये ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर उनको अगवा कर लिया गया है रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष को, तो आखिर उन्होंने मीडिया के लिए जो ग्रुप बना रखा है उसमें वह प्रेस नोट कैसे शेयर किया जिसमें वो हड़ताल को वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मामले का पटाक्षेप रेजिडेंट डॉक्टर्स को लेकर यहाँ पर हो चुका है। केवल जयपुर में जो कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स है वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, बाकी रेजिडेंट डॉक्टर्स मान चुके हैं। जी सुदर्शन, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, तो ऐसे में जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो उसमें कितनी सच्चाई है? जी देखिए, आरोप हमेशा से लगाए जाते हैं। कल सरकार ने भी ये कहा था कि डॉक्टर्स जो चाहते थे उसी बिल को यहाँ पर लागू किया गया है, संशोधित बिल है ये जिसको लागू किया गया है, ये वो बिल नहीं है जिसको सरकार लागू करना चाहती थी जनता के हित में। और मुफ्त उपचार अगर हम कहें या उपचार की सुविधा हम कहें, इमरजेंसी में कहें या अन्य तरीकों से कहें, जिस तरीके से जो आरोप लगते रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल पर की लाशों को रख लेते हैं और बावजूद वहां पर लाश को नहीं दिया जाता जब तक पैसे नहीं दिए जाते, इमरजेंसी में व्यक्ति पहुंचता है तो उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन पूरी जानकारी के लिए।